बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चमकदार और हसीन चेहरा आंखों को बहुत भला महसूस होता है। खूबसूरत और चमकदार चेहरे की हर किसी को ख्वाहिश होती है, लेकिन चमकदार स्किन बहुत कम लोगों की होती है। चमकदार स्किन के लिए खवातीन मुख्तलिफ किस्म के टोटके और नुस्खे आजमाती हैं, लेकिन बहुत कम फायदा होता है। आज की स्पेशल वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप किस तरह खुबानी के तेल की मदद से आप अपने चेहरे पर सिर्फ कुछ ही मिनटों में दिलकश चमक पैदा कर सकती हैं। ये एक बहुत ही स्पेशल टोटका है जिसके जरिए आप कुछ ही मिनटों में अपनी स्किन को चमकदार और बेदाग बना सकती हैं। इससे पहले कि मैं आपको आज के इस टोटके के इंग्रीडियंट्स के बारे में बताऊं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी रोजाना की नई वीडियोस सबसे पहले मिल सके। और इस टोटके के अज्जा में शामिल हैं खुबानी का तेल आधी चाय की चम्मच, दाल चेरी 3 अदद, मुल्तानी मिट्टी पिसी हुई 1 चाय का चम्मच और संदल पाउडर 1 चाय का चम्मच। इस टोटके को बनाने का तरीका ये है कि एक शीशे की प्याली में सब अज्जा डालकर यकजान कर लें। चेरी को आपने अच्छी तरह मैश कर लेना है। इसके बाद इसमें मुल्तानी मिट्टी और संदल पाउडर को पीसकर पाउडर बनाना है। इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें, ये एक गाढ़ी क्रीम बन जाएगी। इस क्रीम को रोजाना चेहरे पर लगाएं। पहले आप अपना चेहरा धोएं, फिर ये क्रीम लगाएं। स्टार्ट में 3 मिनट तक आपने मसाज करना है, फिर 15 मिनट तक ये क्रीम आप अपने चेहरे पर लगी रहने दें। फिर आप अपना चेहरा सादा पानी से वॉश कर लें। याद रहे कि इसके बाद आपने ब्यूटी सोप या फेस वॉश यूज नहीं करना है, आपने सुबह उठकर सोप से या फेस वॉश से मुंह धोना है। खुबानी एक मशहूर फल है। जिल्दी अमराज से निजात हासिल करने के लिए खुबानी कदीम जमाने से इस्तेमाल की जाती है। खुबानी का तेल मुख्तलिफ किस्म के विटामिन से भरपूर तेल है। ये सेहत को बेहतर बनाती है, स्किन की नशोनुमा करती है, स्किन के टिश्यूज को रिपेयर करती है, खून को साफ करके स्किन पर उतरती सूखी लाती है। खुबानी का तेल विटामिन ए का बेहतरीन जरिया है जो हमारी स्किन के लिए बहुत मुफीद है। इसमें विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन ई और फाइबर की जबरदस्त मात्रा मौजूद होती है। चेरी एक खुशनुमा फल है। ये न सिर्फ सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है बल्कि स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। चेरी स्किन पर कुदरती चमक और सूखी लाती है। स्किन को जिन विटामिन की जरूरत होती है वो चेरी में मौजूद होती है। संदल का ताल्लुक नबाताती खानदान से है। ये दरमियाने दर्जे का सदाबहार दरख्त है। इसकी लकड़ी और छाल में धीमी धीमी खुशबू पाई जाती है। इसको जिल्द को शगुफ्तगी और तरोताजगी फराहम करने वाली अदवियात में इस्तेमाल किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी हर किस्म की जिल्द के लिए निहायत मुफीद होती है। चेहरे के खुले हुए मसामों को बंद करके स्किन को टाइट कर देती है। इसके अलावा चेहरे की एक्स्ट्रा चिकनाई को जजब करके स्किन को तरोताजा रखती है। खुबानी के तेल में जिल्द को निखारने और गोरा बनाने की बेमिसाल खसूसियात है। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच